नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। मेरे YouTube चैनल योग स्वास्थ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे मेरु आकर्षणासन और कुछ एकांकता बढ़ाने वाले अभ्यास जो स्पेशली स्टूडेंट को प्रैक्टिस करना चाहिए। इन अभ्यासों के रेगुलर प्रैक्टिस करने से हमें पूरा शारीरिक संतुलन हमारा बनता है और पूरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही बढ़िया ये आसन होते हैं। युवा भी कर सकते हैं और स्टूडेंट को तो स्पेशली इन आसनों को प्रैक्टिस करना चाहिए। ये हमारे थाइज, नीज, हिप्स की मजबूती के लिए बहुत ही अच्छे आसन होते हैं। आइए देखते हैं कि इन आसनों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, मेरु आकर्षण आसन को करने के लिए दाहिनी करवट लेट जाएंगे। इसके बाद अपने हथेली को ऐसे रख लेंगे और बाएं पैर को उठाएंगे और दाहिने बाएं हाथ से इसे ऐसे पकड़ लेंगे। थाइज हिप्स की चर्बी घटाता है, कमर को अच्छा शेप प्रदान करता है। कुछ देर मेंटेन करने के बाद धीरे धीरे नीचे। अब इसी क्रिया को हम दूसरी करवट से करेंगे। करवट लेट जाएंगे, हाथ को अपनी कनपट्टी पर, दाहिने पैर को उठाएंगे और दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे आपके, धीरे धीरे नीचे। हम करेंगे पर्वतासन। पर्वतासन की रेगुलर प्रैक्टिस करने से हमारे पूरे पैर मजबूत बनते हैं और स्टूडेंट को तो स्पेशली प्रैक्टिस करना चाहिए। पहले पद्मासन में बैठ गए, आंखें बंद करके थोड़ी देर रिलैक्स किया के बाद अपने घुटनों के बल खड़े हो गए। दोस्तों, ये पर्वतासन की पोज है। फिर दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में ले गए, थोड़ी देर इसी अवस्था में रुकिए। पहले धीरे धीरे मेंटेन कीजिए, फिर 10 सेकंड, फिर 20 सेकंड, 30 सेकंड। बाद में आप अपनी आवश्यकता अनुसार 1 से 2 मिनट इस अवस्था में अपने को मेंटेन कर सकते हैं। किसी एक वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, शरीर को बिना हिलाए डुलाए इसी स्थिति में रहिए। इसके बाद धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाइए। पैरों को खोल लीजिए। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपने पद्मासन आपको अच्छी तरह से लगाना आना चाहिए। हम करेंगे कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ाने वाला दूसरा आसन पादागुष्ठासन। इसमें आपने अपनी पैर की उंगलियों के बल खड़ा होना है। इस आसन को करने के लिए भी आप सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठकर अपने पैर की उंगलियों के बल आपने खड़ा होना है। पहले दोनों पैरों के बल ऐसे खड़े हो जाइए। उंगलियों पर अपने पूरे शरीर का वेट रखना है आपने। फिर धीरे से पैर की उंगलियों के बल आपने खड़े हो जाना है। पूरे शरीर का वेट वे पैर की उंगलियों पर रखेंगे आप। फिर दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में, फिर किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा आसन है। फिर धीरे धीरे नीचे। अब इसी आसन को हम पैर बदल कर करेंगे। पहले आपने पैर की उंगलियों के बल खड़ा हो जाना है। दोनों पैर की उंगलियों का बल खड़ा होकर अब आप बाएं पैर पर खड़े हो जाएंगे। दाहिने पैर को उठाकर हिप थाइस के पास रख लीजिए और इसमें अपने शरीर का पूरा वेट रखिए अपने बाएं पैर पर। एकाग्रता का बेस्ट आसन है पर्वतासन और पादागुष्ठासन को स्टूडेंट ने स्पेशली प्रैक्टिस करना चाहिए। कुछ देर इसी स्थिति में रहने के बाद फिर धीरे धीरे नीचे। इन आसनों के रेगुलर प्रैक्टिस करने से शरीर का जोड़ों का कड़ापन दूर हो जाता है, हिप्स, थाइज, कमर की चर्बी दूर होती है। स्टूडेंट को तो इन पोस्चर को रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। युवाओं के लिए भी यह बहुत बेस्ट आसन होते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। Thank you.